लिखा गया है, वर्णन किया है कि जो आप दूसरों का सम्मान करते हैं, आपने अतिथि का सम्मान किया है, 10 वर्ष तक बीमारी नहीं हो सकती। लिखा है 10 वर्ष पर्यंत उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। सम्मान पूर्वक लोगों को बुलाएं, फिर क्या करें, अच्छी तरह से पूज्य हैं तो उनके पैर धोएं, तीसरे नंबर पर उन्हें वस्त्र उड़ाएं, चौथे नंबर पर माथे पर गंध लगाएं, आरती उतारें, घृत युक्त अपूप आदि सरस पदार्थ उसको जिमाएं, षड रस युक्त भोजन कराएं, तांबूल एवं दक्षिणा दें, नमस्कार करें और कम से कम उसके पीछे 8 पैर तक उसके पीछे पीछे जाएं। ये दान देने के ये अंग हैं, ये 10 अंग बताए गए। कुछ समय कुछ पीछे पीछे उसके पीछे उसको विदा करने के लिए जाएं। जो दशांग युक्त ये 10 लक्षणों को स्वीकार करके जो दान करते हैं, वो 100 साल तक इस मृत्यु लोक में निरोगी रहते हैं। एक बार फिर कहूँ आपको, कोई ब्राह्मण गुरुजन अतिथि जन दरवाजे पर आए, मान लिया जाए गुरुजन चल के आए, वो घर पर आए, उन्हें देख करके आप खड़े हो गए, पहला काम, दूसरा काम उनके चरण धोए, तीसरा काम आरती उतारी उनकी, चौथा काम माथे पर तिलक चंदन लगाया, उनको वस्त्र उड़ाया, फिर उनको शुद्ध देसी घी के पदार्थ उन्हें जिमाए, षडयुक्त तो भोजन कराए, तांबूल यानी उन्हें तांबूल तो क्या दोगे, भोजन के बाद उन्हें इलायची और लवंग मिश्री ये चीज दे दी जाए। पूज्य हैं उन्हें दक्षिणा दें, यदि पूज्य हैं तो उनको दक्षिणा के संग 1 का सिक्का जरूर लगा के दें, 100 नहीं 101, 20 नहीं 21, 11 नहीं उसमें 1 सिक्का जरूर, उसमें 10 नहीं 11 उसमें 1 सिक्का लगा करके पूज्य लोगों को ये दिया जाता है। जो ज़्यादा थोड़ा नहीं मायने रखता, जो पूज्य हैं। वैसे आप सीधे किसी को 50 रुपया देते हैं, लेकिन आपके गुरु लोग हैं, ब्राह्मण जन हैं, दामाद है, बेटी है, इन लोगों को 1 रुपया उसमें लगाया जाता है। वर्णन किया गया है ऐसे लोग 100 साल तक निरोगी होकर इस धरती का आनंद लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय हो, आपके आनंद जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।